चिवर्स भाई। इसलिए वह समय किस प्रकार रहा होगा, किस प्रकार गुजरा होगा और किन किन हमारे महान व्यक्तियों ने इसे प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष किए होंगे और कितनी परेशानियां झेली होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन व्यक्तियों ने भी, महान व्यक्तियों ने भी इसके लिए इतना संघर्ष किया, उनके चेहरे के ऊपर कभी भी उदासी नहीं थी, उनके चेहरे के ऊपर कभी भी ग्लानी नहीं थी, कभी भी उनके पास में जाकर के पूछते अपराधी नहीं थे, लेकिन जो भी उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, किसके साथ में जुड़ी हुई थी, देश के साथ में जुड़ी हुई थी, न जाने हिंदुस्तान में किस किस प्रजातियों ने हमारे ऊपर शासन किया है, लेकिन अब हम हमारे ऊपर जो जो भी जिन जिन ने भी शासन किया है, अब हम चाहते थे कि अब हमारे ऊपर किसी का भी शासन न हो, हम इन लोगों से मुक्त हो जाएं, हम इन लोगों से स्वतंत्र हो जाए, स्वाधीन हो जाए। इसीलिए ही सारा हमारा संघर्ष था। लेकिन एक बात निवेदन करूं और वह बात मुझे याद आ जाती है, कई बार उसे कहने का मौका मिला, सुना तो एक या दो बार भी। जब पहली बार हिंदुस्तान का यान अंतरिक्ष में गया, जो व्यक्ति उस यान में सवार होकर के बैठ करके गया था, इंदिरा जी उसे बार बार पूछती रहती थी कि भाई हमारा हिंदुस्तान कैसा लगता है, हमारा हिंदुस्तान ऊपर से कैसा लगता है। लेकिन उस व्यक्ति का देश के प्रति प्यार देखो, देश की भावना देखो, एक ही बात मैं बार बार दोहराता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज भी हम देख लें, चाहे भले ही इन्हीं परिस्थितियों में हम लोग जी रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही है। जो इसकी विशेषताएं देखते हैं, जो इसकी कुल धर्म देखते हैं, ये हमारा क्या है, श्रीमंगल की राष्ट्र धर्म है, ये हमारा क्या है, राष्ट्र धर्म है। इसलिए हम लोग उनके गुलामी से मुक्त होना चाहते थे कि हम अब उनकी गुलामी से मुक्त होना चाहते, इसलिए तो सारा संघर्ष था। और जिन जिन ने भी इसे प्राप्त करने के लिए न जाने कितने कितने कष्ट सहन किए, कितने ही लोगों को फांसी दी गई, कितने लोगों ने जेल की यातनाएं सहन करी, कितने ही लोगों ने इन लोगों के मार सहन करी, न जाने क्या क्या इन लोगों ने सहन किया, तब कहीं जाकर के हम लोग स्वाधीन हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारे भगवान कहते हैं कि स्वाधीनता स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम लोग अभी तक स्वतंत्र नहीं है,
हमारे महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब तक हम लोग श्री मंगल जननी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक हम स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। वह भी एक प्रकार की हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन यह भी एक प्रकार की श्री जननी की हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन फिर भी कितनी विशेषताएं रही हुई हैं, फिर भी कितनी विशेषताएं रही हुई हैं। आज दूसरे देश में रह करके व्यक्ति इतने धर्म कर्म की स्वतंत्रता आजादी किसी को नहीं मिलती। दूसरे देशों में उनके नियम ऐसे, उनके कानून ऐसे हैं, उनकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वहां रहकर के हम लोग जितना आसानी से हिंदुस्तान में धर्म कर सकते हैं उतना दूसरे देशों में हम लोग अपने धर्म की साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए हिंदुस्तान में कुछ तो विशेषता है, बाकी सारी बातें अलग होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम इस देश में रह रहे हैं, कम से कम हमें धर्म कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, स्वाधीनता तो है। और ये जो हमारे जो तीन रंग हैं, सचमुच में हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। आपने देखा सबसे ऊपर